नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर से जुड़ी टेक्निकल जानकारी संबंधी वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है और आपका माउस बराबर काम कर रहा है तो इसका दो कारण हो सकता है। पहला, आपका कीबोर्ड खराब हो गया होगा, या दूसरा, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड का जो सेटिंग है वो चेंज हो गया होगा। तो इसी सेटिंग को हम आज देखेंगे कि कहां से चेंज हुआ है और ये कंप्यूटर आज इसी वजह से रिपेयर होने आए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए हुए घंटी को भी दबा दें, जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में, तो उसका जो सेटिंग है यहीं से ख़राब हुआ है। जैसे कि मैं कीबोर्ड का विंडो की दबा रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे दोस्तों सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के लिए हमें खोलना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल खोल लेते हैं यहाँ से। अब जाएंगे हम, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस ऑफ एक्सेस। तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर में फिर लिखा हुआ है इस ऑफ एक्सेस सेंटर। तो यहाँ फिर हम एक बार क्लिक करेंगे। ऑलवेज इन दिस सेक्शन। अब हम आएंगे, अब यहाँ पे कीबोर्ड का आइकन बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। तो यहाँ हम एक बार क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेवजह पूरे टिक भरा हुआ है यहाँ पे। तो इस टिक को हम हटाएंगे और एक में बस टिक छोड़ देंगे। तो ये सबको हम पहले हम हटा देते हैं, ये सबको हटा देते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ देख सकते हैं आप, सेटअप स्टिक कीस। तो हम टर्न ऑन टॉगल की में नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा है टर्न ऑन टॉगल की बाय होल्डिंग डाउन द नम लॉक की फॉर 5 सेकेंड। तो इसी में हमें टिक करना है, मार्क लगानी है ना। तो यहाँ पे मैं लगा दिया। अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे। ऑलवेज इन दिस सेक्शन। अब चलिए विंडो की दबा के देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड काम करने स्टार्ट कर दिया है। तो कारण वही था कि सेटिंग इधर उधर हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आता है, या तो आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है तब ये प्रॉब्लम शो करने लगता है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।